रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। BCL B10 अपने आप में, मैं आप सबको बता दूं, एक इंस्टीट्यूशन है और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अरे सब गए तेल लेने यार, यहाँ एक्शन, ड्रामा, स्टंट्स, फाइट्स, अफेयर, ये सब डबल डोज में होंगे। और आज पहला मुकाबला है और कांटे की मैच है मुंबई वॉरियर्स और राउडी बैंगलोर के बीच में। लगे हाथ कमेंटर अपार शक्ति और रुचि को वेलकम कीजिए। क्या आप कभी बड़े बड़े क्रिकेटर्स के लॉकर रूम तक पहुंच पाए? थैंक यू गॉड फॉर दैट एंड थैंक यू बालाजी एंड मैरिनेटिंग फिल्म्स। हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम BCL B10 प्लेयर्स के लॉकर रूम में। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। कौन? जो कि है एजाज खान। जब वो लोग बैटिंग कर रहे होंगे, एजाज खान को हम आगे खड़ा करेंगे फील्डिंग पे, जैसे ये बैट्समैन का ध्यान इधर उधर करे अपनी बातों से। हमने जिस तरह से कनेक्ट किया एज अ टीम, आई डोंट थिंक एनी टीम हैज सच। गली गली में मचाए शोर, जीतेगा राउडी बैंगलोर। सबसे पहले आ रहे हैं राउडी बैंगलोर। सर, कोई मैसेज है विरोधी टीम के लिए? विरोधी टीम के लिए इतना ही काफी है कि वो हमारे विरोधी हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग। मेरी बहुत अच्छी सहेली है यहाँ पर, राखी। मेशा, मोगैम्बो इधर आ जा, आ जा इधर, आ जा यार। क्रिकेट का कैसे चढ़ गया तेरे को भूत? देखो, मैं डांस कर चुकी हूँ, एक्टिंग कर चुकी हूँ, नेता बन चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं क्रिकेट क्यों ना खेलूं। अच्छा। तो ये कीड़ा तो मरने से पहले तो खत्म करना पड़ेगा। बहुत ही दुरंधर है हमारे खिलाड़ी। अभी मैदान में आएंगे, देखे कैसे फाड़ के तोड़ के रख देते, रायता फैला देंगे हम लोग, रायता। और इनसे मुकाबला करने वाले हैं टीम मुंबई वॉरियर्स। वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि इतना खचाखच स्टेडियम भरा है और आज पहला मैच है और इतनी धुरंधर है दूसरी टीम, तो आप लोग कितने नर्वस हैं? लेकिन मुझे लगता नहीं कि नर्वस के वाले दिन हम पैदा नहीं हुए। कौन कहता है नर्वस है? कौन कहता है नर्वस है? कौन कहता है नर्वस है? एक मिनट, मेरे ख्याल से अगली टीम को बुला ही लेना चाहिए। हम आपसे जिसको बुलाना बुलाना। कि
इतने सारे लोग हम लोग गणपति विसर्जन में आए हैं क्या? क्रिकेट खेलने आए हैं? क्या है, क्या है? लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी करनी बाकी है, तो आप दोनों टीम्स को एक एक डेयर दिया जाएगा जिसे आपने पूरा करना है, और जिस टीम का प्रदर्शन दूसरी टीम से अच्छा होगा वो टीम एक बहुत ही अच्छा हैम्पर जीतेगी। तो टीम राउडी बैंगलोर में से जिनको चुना है वो है राखी सावंत, आ जा बेबी। थैंक यू। और मुंबई वॉरियर्स की टीम से है डॉली बेंद्रा। जी नहीं, दिगांबना। तो आप दोनों को हम एक एक करके एक एक हिंदी में लाइन देंगे जिसका आपने अंग्रेजी अनुवाद करना है। वाओ, इट्स रादर सिंपल। सो पहली लाइन है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगी। You dirty dog, I'm gonna drink your blood. बाहर का माल लगे इंडिया इंडियन लड़के के साथ है ना कंपटीशन करा रहे, ये सही बात नहीं है। I really am from India. तो हमारी सनी लियोन भी हिंदुस्तानी है तो तो राखी इस हिंदी की लाइन का आप अंग्रेजी अनुवाद करें कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गया। Hey, prompting नहीं होने का। Oh God! Oh Jesus, ये कितनी easy line है English में। Yeah Jesus. क्या था? फिर से बोलना। Hello? इतनी easy line में practice तो करूँ, दिमाग में तो आना पड़ता है ना, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। अभी फिलहाल यहाँ आया है। I am gonna be mother of your child. I am Rakhi Sawant, gonna be mother of your child. अभी कौन है वो देख लेना। आप दोनों ने इन दोनों के अंग्रेजी अनुवाद सुने, अब जरा हम देखते हैं कि विजेता कौन है। आपके हिसाब से विजेता Rakhi Sawant है। चलिए बोल्ड हो गए थे लेकिन बेल्स नहीं गिरी। कैसे बोल्ड हो गए थे देख जरा चश्मा उतार के। डॉली बिंद्रा फुल फ्लो में। I request Vimesha, our umpire, to please join us. Come. Hello. Hey. The toss is, this is Jay and Viru. Jay. मुंबई वॉरियर्स ने चूज किया है टू बोल फर्स्ट। थैंक यू सो मच, गुड लक। ये बताइए, टॉस आप नहीं जीती लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड लग रही थी क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी थी, क्या थी यार बता दो। एक्चुअली स्ट्रैटेजी तो वही थी कि हमें बैटिंग पहले चाहिए थी, उन्होंने खुद ने ले ली बॉलिंग, अब उनके सामने खुशी जाहिर कर देती थी। ओह शिट यार, जान हमने गलत कर दिया। स्ट्रैटेजी इज यू नो। आपने टॉस जीता है, क्या होने वाला है, क्या स्ट्रेटजी है? जो ऊपर से नसीब लेकर आता है ना उस दिन, वो हर चीज में जीतता है, तो हम लोगों ने टॉस भी जीता और मैच भी जीते हैं। BCL में होंगी 10 ओवर की बाजी और इस बाजी को खेलने के लिए टीम में 8 लड़के और 3 लड़कियां होनी जरूरी है। बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना है जरूरी, और ऐसे ही बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है। ओवर 5 या ओवर 6, बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है, और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको 2 उबले अंडे। BCL रूल्स के अकॉर्डिंग पहले 4 बैट्समैन में से एक लड़की का होना जरूरी है।
मैं और सारा ओपन कर रहे हैं। सारा कुछ ले उतार रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़की ऊपर आए और दिखाए सबको कि हाँ वो भी खेल सकती हैं। राउडी बैंगलोर टू टेक दैट कॉल और लोगों को ये दिखाना कि बॉस हमारी टीम की लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। क्रीज पे उतरी है सारा कप्तान। बजाने के लिए सामने वालों की 12 आ गई है सारा। ओ भाई साहब ओके। बॉल उसको नजर नहीं आ रही है बैट्समैन को। अब क्रिस्टल जैसी सुंदर लड़की फील्ड पे खड़ी होगी अगर हाउ डू यू कॉन्सेंट्रेट ऑन बैटिंग टेल मी। गली में खड़ी है वो भी। अगर इतनी लड़कियां फील्ड में हो तो एनीवे हरियाली दिखती है, प्लस मुंबई वॉरियर्स के होते हुए और हरियाली दिख रही है आज हमें फील्ड पर। बॉल इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अब से बॉल नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे जाके क्या दिखाई देगा। बड़े बटट्टा बड़ा हम लोग अभी धोएंगे ऐसा धोएंगे इंशाल्लाह ताला के देखो क्या होता है। बारिश नहीं आ जाए बस, अगर बारिश आ गई तो मैच रुक जाएगी। फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द इनिंग्स। तीसरी बॉल पे पुरू ने चौका लगा दिया है। नाउ दैट्स अ वंडरफुल स्टार्ट टू द मैच। आई थिंक अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से 18 नंबर की जर्सी पूछ के आए कि कौन सा क्या लकी रहेगा कि नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। सो 18 नंबर इट इज फॉर पुरू। बहुत बढ़िया खेल रहा है, चौके छक्के मार चुका है। अभी देखो कैसे लगेगी वाट, लगेगी वाट, लगेगी देखो। ओके आफ्टर वन ओवर स्कोर इज 10 विदाउट एनी लॉस। सना वर्सेस सारा। फ्लाइंग किस ऑलरेडी दे दी है सना ने। चुप होए चुप कराया। फोड़ दूंगी मैं आपके ऊपर। कमाल की बात यह है डॉली बिंद्रा को माइक की भी जरूरत नहीं है, वी हमें चाहिए माइक। डॉली जी बहुत शोर मचा रही थी, क्या लगता है डॉली की माँ की चूड़िया बहुत खनकती है। उनका मुंह भी बहुत खनकता है। प्ले बॉल। उट नहीं करना। और सना ऐसे मारती रहे और देखिए गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। Guru on the front foot and bang, 6 it is. Sana ke over mein ek aur chhakka, kya ye 6-6 honge? Yahan pe voodoo ho raha hai, kala jadoo ho raha hai, kya ye kaam karega? Let's have a look. एक और छक्का लगा, 4 छक्के लग चुके हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब मैं चुप रहूंगी। So, 2 ओवर खत्म होने के बाद में 36 रन्स बना चुके हैं राउडी बैंगलोर्स विद नो लॉस। अभी देखिए वो सारा है ना, हड्डी हड्डी खेल रही है, हड्डी को बॉल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद सारा बैट पकड़ते पकड़ते उसका राइट हाथ बड़ा हाथ दर्द हो जाएगा, वो थक जाएगी, देख लेना आप। वो बॉल्स मिस कर रही थी तो पीछे से
टीम ने बोला कि वो देखो एक्शन रिप्ले चल रहा है वो देखो और खेलना है ठीक है तो अभी काम कर विकेट के पास खड़ी हो जा ठीक है जस्ट व्हेन यू स्विंग द बैट बिहाइंड देन हिट द स्टंप या नहीं बट द बॉल व्हेन द बॉल इज बोल्ड एज सून एज ही रिलीज द बॉल देन जस्ट हिट द बॉल पीछे पीछे होके खेलना यहां पे ड्रामा है यहां पे एक्शन है ऑन द क्रीज इज एक नंबर एजाज खान इट इज कम ऑन गाइस गेट अ फायर प्ले बॉल मुंबई वॉरियर्स कर रहे हैं एक दूसरे पे शाउट क्योंकि नहीं हुए एजाज आउट कैच ऊपर उड़ा बॉलर फॉलो थ्रू में कैच नहीं जा रहा था बैट्समैन ने पर्पज ही लगा कि वो उसको पुश किया उसने और उसको डिस्टर्ब किया कैच लेने से अरे लेकिन तो मैं भागूंगा कहां से सर भागेगा तो वहीं से ना एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि मुंबई वाले लोगों ने कैच छोड़ दिया है वो पहले से चीटिंग कर रहे हैं वो उसने हमारी लड़की को रन आउट नहीं किया जानबूझ के तो चीटिंग करके क्या खेल रहे हो सीधा खेलो ना यार मर्द की तरह खेलो ओके लुक एट दिस वन ये पुल किया उसने एज लगा ऊपर गया बॉल द बॉलर वाज अबाउट टू टेक द कैच बट ही पुश्ड हिम इट्स आउट ओह माय गॉड इट्स एन आउट दैट्स एन आउट एजाज आउट हो गया बट मुझे नहीं लगता वो बाहर आने वाले बिकॉज उनके हिसाब से वो आउट नहीं है अरे काय का आउट आउट ही नहीं है काय का आउट है सर काय का आउट है सर डेलिबरेटली ऑप्शन इज द फील्डर अरे डेलिबरेटली आई एम रनिंग सर कैसे हो रहा है सर नॉट आउट है सर अब बैट भी आप घुमाएं सिक्स भी आप डिसाइड करें और आउट हैं या नहीं है वो भी आप डिसाइड करें ये क्रिकेट का नियम नहीं है सर नॉट आउट है किसी से भी पूछिए पूछिए उधर पूछिए आउट है क्या उधर पूछिए द एंटायर ऑडियंस सेज ऑल द स्पेक्टेटर्स से दैट इज नॉट आउट बट अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन व्हाट टू से सर नॉट आउट दीजिए स्टार प्लेयर है समझा करिए मत करिए सर नॉट आउट है सर सी एक ही ऑप्शन है इसमें फील्डिंग साइज कैप्टन अगर वो अलाउ करता है बैट्समैन को तो वो वापिस आ सकता है क्या कर रहा है बोल्ड हो गए थे लेकिन बेल्स नहीं गिरी कैसे बोल्ड हो गए थे देख जरा चश्मा उतार के डॉली बिंद्रा फुल फ्लो में एक ही ऑप्शन है इसमें फील्डिंग साइज कैप्टन अगर वो अलाउ करता है बैट्समैन को तो वो वापिस आ सकता है यस सर आई अलाउ हिम टू बैट वी विथड्रॉ द अपील एंड फाइनली ये है चैलेंज ओवर सिक्स्थ ओवर यानी कि ये चैलेंज ओवर की शुरुआत हो रही है जहां पर बैट्समैन डिसाइड करेंगे कि कौन सा बॉलर है जो कि बॉल करेगा लेकिन अगर जितने रन प्रॉमिस किए हैं उतने नहीं बन पाते हैं तो इस ओवर का एक भी रन नहीं मिलेगा खेलने वाली टीम को ले लूंगा एक रन तो मैं 15 बोलो 15 बोलो हाँ भागेंगे ना चैलेंज ओवर 15 रन चैलेंज बॉलर नेम केजे 15 रन अगर पूरे कर लेते हैं तो डबल हो जाएंगे यानी कि 30 रन मिलेंगे प्ले बॉल चल बॉल टू रन्स इट इज बाउंड्री टू रन्स लेग बाय बल्ला घुमा आता है तब एक्चुअली एजाज बल्ला घुमा रहे थे घुमा चल बॉल
लड़कियों को पाउच करना आता है पर आउट करना नहीं आ रहा है। चैलेंज इज कंप्लीटेड, 30 रन मिल चुके हैं राउडी बैंगलोर को। छह ओवर पूरे हो चुके हैं, 119 रन पे हैं राउडी बैंगलोर। ये पूरा अच्छा खेल रहा है, देखिए जो अच्छी बात है सच्ची बात है उसका मानना चाहिए, अच्छा खेल रहा है पर कब तक वो देखेंगे। आहो आपका पुरु जो बहुत अच्छा खेलने वाला है, जो बहुत बड़ा चीटर है, उसने रन करते करते अपने थाई से अपने बॉल को उधर भेज दिया ताकि वो रन आउट नहीं हो सके। डिसीजन पेंडिंग है, अभी आउट या रीप्ले में देख सकते हैं। बहुत ही गलत जगह पे इजाज़ भाई को बॉल लगी। He did not kick the ball. It is clear. उसने जानबूझ के बॉल मारी नहीं है यार, वो भाग रहा था obviously, पाँव लग गया तो लग गया। We are not here to cheat, we are here to play. अरे मामला साफ साफ दिखाई दे रहा, आउट हो गया। अरे इस क्लियर कट आउट हो गया है। बैट के साथ बॉल खेलने आया, टांगों के साथ बॉल खेलने आया आप? तब जाके निर्णय लिया है कि सही था, बिल्कुल सही हुआ। बहुत मार रहा था छक्के चौके, दिमाग का दही हो गया था, अब हुआ ना आउट। पुरु को आउट जोक दिया है अभी अंपायर्स ने, वो बहुत गलत डिसीजन है और ये डिसीजन बहुत भारी पड़ने वाला है बॉम्बे की टीम को। सी अभी हम लोग एम्पायर से लड़ नहीं सकते, पर ये डिसीजन गलत था। पुरु यू आर प्लेइंग सो ब्रिलियंटली वेल, क्या हुआ? If I would have kicked the ball, I would have looking at the ball, but I was looking at Eja, so that was a mistake because I stopped. अब उनकी फटगी तो मैं क्या करूँ? So 7 overs complete होने पर 134 score है Rowdy Bangalore का, 2 wicket जा चुके हैं। डॉली नाड़ा संभालिए, नाड़ा। वो नाड़ा संभालने नहीं, वो राड़ा करने के लिए आ रही है यहाँ पर ग्राउंड में। ये तो सर आपको थर्ड अंपायर की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट योरसेल्फ। मैं तो अपना गेम खेलूंगा, मेरे रूल्स, मेरा गेम, मेरा बैट। गो एजाज, वी लव यू। मैं आपको कविता जी एक बात बताऊं, गब्बर को अगर कोई मार सकता है ना तो वो खुद गब्बर। मैं खुद अपने हाथ से मरा, उसके बाद ठीक है जो भी खेलने दो, अभी अपने दोस्त लोग भी खेल रहे हैं यार। तो सैश का सामना करना पड़ेगा अब रोहित को। दैट इज अ क्लियर आउट, मस्की हो गए हैं आउट। 4 विकेट जा चुके हैं राउडी बैंगलोर के, एंड असलम आ गए हैं अभी खेलने के लिए फुल जोश के साथ। एक और रन आउट, डॉली जी इस टीम के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छी है क्योंकि मेरे प्लेयर्स कर रहे हैं और डॉली जी लकी हैं। प्लेयर्स की तारीफ करो यार, प्लेयर्स कितना अच्छा खेल रहे हैं। Players are playing well. That's like it. Suna Dolly ji, players are playing well, not you. I love you, Dolly ji. You are very, very lucky for us.
यार हम 200 देख रहे हैं, अभी एक लड़की का ओवर बचा है तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड। BCL रूल्स के मुताबिक लास्ट 4 ओवर्स में भी लड़की को एक ओवर करना है जरूरी। 9 ओवर्स खत्म हो चुके हैं, फाइनल ओवर है, कंपलसरी है ये कि लड़की बॉल करे। एग्जैक्टली। तो अभी लड़की का ओवर है, क्या 36 में 36 होगा? क्या मुस्कान दे देगी उनको सब 6 छक्के? हेलो, ऐसे हलवा है क्या? दसवें ओवर के बाद 203 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 200 was expected. उम्मीद है कि हमारे भी जो बैट्समैन है वो बेहतरीन है और वो अच्छा ही खेलेंगे और 200 के आगे ही जाएंगे। मुंबई वालों, मैं एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में आपको बोल रहे हैं, आप चाहो तो अभी भी हम लोगों से हार मान सकते हो ताकि हम जल्दी घर जाके खाना खा सके। अगर आप डिक्लेयर करना चाहो तो इनिंग डिक्लेयर कर दो, बोलो क्या बोलते हो? 204 रन का टारगेट दिया है मुंबई वॉरियर्स को, पूरा जोश फुल होश। छक्का लग जा रहा, कैन यू बिलीव इट, सोच के आएगी 204, अभी देखो हम कैसे मारते हैं। 5 ओवर में खत्म। कुणाल छक्के तो छक्के दिए, तो यही स्पीड से और यही स्पिरिट से खेलेंगे हम, तो शायद प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। मुंबई जिंदगी भर प्रेशर में रहेगी भाई, मुंबई में पैसा बहुत है और सपने बहुत है, इसलिए मुंबई में सब प्रेशर में रहते हैं, ये लोग भी प्रेशर में ही है। देख सकते हैं राउडी बहुत ही राउडी है। अभी एक बॉल ऐसा गया था जो स्टंप से बिल्कुल ही क्लोज बाय था, इट वाज नॉट आउट, बट एक नंबर तो एक नंबर है, तो उन्होंने आके बेल्स गिरा दी। सो चीटर एजाज, पता नहीं एक नंबर दिखा रहे हैं या आउट बोल रहे हैं। एक नंबर आउट, आउट एक नंबर। ये देखो रिप्ले को देखो, बोल्ड हो गए थे लेकिन बेल्स नहीं गिरी। कैसे बोल दोगे तो देख जरा चश्मा उतार के। डॉली बिंद्रा फुल फ्लो में, नॉट आउट। मैं कई बार सोचता हूँ कि उनकी सोसाइटी में जो डॉली आंटी के आसपास बच्चे होंगे बहुत डरते होंगे। ये क्या मेरे बारे में बोले? ए आंटी किसको बोल रहा है तू इधर? ए ए क्या नाम है, क्या नाम है इसका, नाम क्या कंपेयर का? पंगा डाले, पंगा दंगा हो जाएगा। मजा आ गया यार, पहले ओवर में कैप्टन को निकाल दिया, मतलब किंग आउट पहले ओवर में, अब अगले ओवर में वाइस कैप्टन, फिर उसके बाद उनकी पूरी टीम। कुणाल बैक ऑन द स्ट्राइक, मस्की इट इज, सेकंड ओवर टू गो, 23-1। सेकेंड विकेट गिर चुका है, आई डोंट नो व्हाट टू से यार। देखिए सो फार इट्स अ बैड डे, लेकिन द डे इज नॉट ओवर येट। देखो पहले तो कैप्टन डक पे आउट हो गया, पुनीत आप डक पे आउट हुए हैं? डक पे आउट हो गया मैं, अब क्या गोली मार दो यार। डॉली आंटी वन सेकंड, यू जस्ट शट अप। आप ओके? स्टॉप कॉलिंग मी आंटी, ऑलराइट? अब आंटी है तो आंटी बुलाएंगे क्या, दीदी बुलाएंगे? And listen, you don't want me to come there, okay?
उन्होंने धमकी दी है कि अब अगर किसी ने उनको आंटी कहा तो वो पिच पे उतर जाएंगी और उतार देंगी बहुत कुछ. एज इन सेक्सी डॉली, ठीक है डॉली बेबी, प्लीज बैटिंग स्टॉप कमरिंग. ऑलराइट सेक्सी डॉली, सॉरी डॉली डार्लिंग, यू आर डिस्टर्बिंग सो मच. वो जो सिल्वर वाले जूते ना तुम्हारे सर पर लगने वाले हैं अभी, बोल रही हूं. एक मिनट यार, कमेंटेटर्स बॉल के प्लीज. अपनी फुटेज खाने के चक्कर में पता नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं. इनको तो मैं देख लूंगी बाद में. आई डोंट वेस्ट माई टाइम विद. 29 रन्स हो चुके हैं, मुंबई वॉरियर्स के दो विकेट जा चुके हैं. तीसरा ओवर 204 का टारगेट है. इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर देम. सो इट्स सारा वर्सेस साना वंस अगेन. अरे वाह, हमारे लिए भी जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा. जब लड़की बॉल करती है और वो विकेट पे लग जाए, सो इट्स नेवर एन एम बॉल, इट्स ऑलवेज अ फ्लूक बॉल. दैट्स माय बॉय, दैट्स माय बॉय. या आई बिलीव दिस, सारा इज ऑन अ हैट ट्रिक. गिव इट अप फॉर सारा. It's not ours. Trust me, it's not our day today. देखो हमारी कैप्टन सारा ने दो विकेट ले ली, बड़े बड़े दोनों कबूतरों को उड़ा दिया है कि नहीं. इन लोगों को अभी क्या बोलेंगे, इन लोगों को मैच खेलना आता नहीं है. सारा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, दो विकेट निकाली उसने. आए का हड्डी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हड्डी ने बाई फ्लुक मार दिया तो हो गया काम. ऐसी तारीफ के पुल बांधते रहते आप. दूसरे टीम की वाट लगाएगा. एंडी जरा बच के रहना डॉली दीदी से. डॉली आंटी नहीं, मेरे लिए डॉली दीदी. डॉली डार्लिंग, इसको समझा दे, ये लड़की को समझा दे, बदतमीजी ना करने. मेरा हो रहा दिमाग गरम, बोल दे इसको, टेल हर टू शट अप, टेल हर टू कीप क्वाइट, इनफ इज इनफ. व्हाट डू यू, व्हाट डस यू मीन बाय आंटी? तू मेरी क्या खानदानी लगती है आंटी, आंटी बोले जा रही है क्या ये? मुझे लगता है आप सीक्रेट रस्ते से वहां तक पहुंच जाओ. हैं, मैं अपनी एनर्जी काहे को वेस्ट करूं उधर चढ़ने के लिए. तुम्हें और मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमने डॉली जी को चुप करा दिया. पहली बार कोई करा पाया है, पहली बार कोई डॉली बिंद्रा को चुप करा पाया है. एंड पसीने छूट रहे हैं डॉली जी के वहां पर बैठ करके डगआउट में, पसीने. हसीना को आया पसीना. 85 रन्स पे मुंबई वॉरियर्स, चार विकेट जा चुके हैं, पांचवा ओवर चल रहा है. ये अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये 204 का जो टारगेट है उसे आसानी से पूरा कर पाएंगे. कम ऑन बॉयज. अगर ध्यान से देखा जाए डॉली के हिसाब से ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, पता है क्यों? क्यों? उनका नाम ही डॉली बिन ड्रॉ है. तू बांग्लादेश से आया क्या? इनको क्या हो गया, इनको क्या हुआ? हां जी बाजी, व्हाट हैपेंड? एक बार प्ले बॉल, एक सेकंड आई एम स्पीकिंग, एक बार प्ले बॉल हो जाए, नो कमेंटेटर्स. बॉस, डॉली ने बोला, मैंने क्या बोला यार? यू लाफ विद द बॉल कैच, यू लाफ, नो, दैट्स द टाइम. ये क्या हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है कि डॉली को छेड़ते जा रहे हैं और उन्हीं की विकेट होती जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है. अगर वो बोलेगा तो गेम नहीं होगा. अगर वो बोलेगा तो गेम नहीं होगा.
या तो वो बोलेगा या गेम होगा. Commentators are not supposed to speak after the play ball and they are like laughing and giggling and talking and commenting. That's not done. That's against the rules. अरे यार, she was talking. कमाल है. क्या आपको लगता है कि ऐसे कहने से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क का पता नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमेंटेटर्स बहुत बदतमीज हैं. एक बेसिक तमीज के साथ कमेंट्री होनी चाहिए, यू नो. ओके, चैलेंज हुआ 15 रन चैलेंज. बोलर नेम इज अभिनव. अभिनव वो पहले क्रिस्टल के बहुत खास दोस्त हुआ करते थे और क्रिस्टल की ही टीम मुंबई वॉरियर्स में जो करण है वो आजकल क्रिस्टल के बड़े खास दोस्त है. बड़ा मजा आ रहा है इस गेम को देख के. वाइट बॉल, वाइट बॉल इट इज. चैलेंज ओवर है ये. यहाँ पर एक भी बॉल का मिस होना बुरा हो सकता है. टीम बॉल में 8 रन चाहिए अगर चैलेंज पूरा करना चाहते हैं मुंबई. हो जाएगा. अच्छा सुनो, दो रन चाहिए, किसी की भी हाथ में बॉल आएगी सब भाग के आउट करेंगे. कोई फेंकेगा नहीं, कोई फेंकेगा नहीं. एजाज भाई फेंकना मत, आगे भाग के जाना. वन बॉल टू गो, टू रन टू विन. 15 रन का टारगेट है चैलेंज ओवर का. कम ऑन अभिनव एंड विपुल, ऑल द बेस्ट. मे द बेस्ट मैन किल इट. प्ले बॉल. एक्चुअली व्हाइट बॉल नहीं दिया उसने. अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाए मुंबई वॉरियर्स. ओके, थर्ड अंपायर के पास गया है कि ये वाइड है कि नहीं है. वाइड बॉल, वाइड बॉल कैसे जाएगा सर? अरे ये मैच का रूल ही नहीं है सर. वाइड है, वाइड है. हमको तो यहाँ से ये बॉल वाइड ही लग रही थी क्योंकि ये इट वॉज पास द लाइन. अब अंपायर ने क्यों नहीं दिया ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो बैंगलोर कर रही है वो बिल्कुल गलत है. दे कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन द अंपायर. सर मैं आपकी बात नहीं. अरे गलत बात है मेरे भाई. एक मिनट रुको. अरे लेकिन आपको मुझे बात करने दोगे? बात करने दोगे? एक मिनट रुको यार. अरे भाई नहीं है यार. अगर ये वाइड आ गया तो एक बॉल एक रन आ जाएगा और मेरे को विपुल पे फुल कॉन्फिडेंस है कि वो सिक्स मारेगा नेक्स्ट बॉल. ये वाइट लाइन के बाहर गया. इजाज भाई, इजाज भाई दे देगा. ओवर. अरे भाई ये रोतड़ी लोग हैं,
रन तो मार नहीं सके, लड़की से आउट हो गए, अभी हम लोग से आउट हुए, हमने एम्पायर को कुछ बोला, हमने आउट दे दिया ना, हमको एम्पायर ने बोला तो ये सिर्फ ऊंची आवाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीते। अरे तुम्हारे लिए आवाज नीचे कर ली। नहीं नहीं, आप चीटिंग करते हो, आप मान जाओ कि वो वाइट था। एक बात बताओ, कंप्लीटली वाइट था। नहीं, जस्ट बिकॉज हिज वॉइस इज लाउड डजंट मीन दैट दे आर विनिंग। ही इज चीटिंग, कंप्लीटली चीटिंग। राउडी हैव टू कंप्लीटली चीटिंग। नो 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 सर, आपने किस बेस मेरे को बात कर रहा हूँ, अंपायर से बात कर रहा भाई। सर आपने किस बेस उसको वाइड नहीं दिया? बैट को बॉल लग के यहाँ तक साउंड आया और उसके बाद बॉल डिफ्लेक्ट भी हुआ भाई। अंपायर ने बोला हमने आउट किया, मेरे बारे में माना था सबने, इनके बारे में इनको मारना पड़ेगा। अब जो भी है इनको मानना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। व्हेन इट केम टू अस वी शोड द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई वॉक्ड आउट इन वन गो। आप मेरे को बताओ क्रिकेट में एम्पायर का मतलब क्या होता है? अब वो एम्पायर आउट दे रहा, पूरी टीम उसके ऊपर चढ़ गई है, ये क्या सही बात है? अरे उनको येलो कार्ड, मैं तो बोलता हूँ उनको रेड कार्ड मिलना चाहिए अभी खड़े खड़े। सबकी सब टीम डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। क्यों माना? क्योंकि वो लोग हार रहे। स्कोर देखो क्या, 85-5। बाप भी नहीं बना सकता 204। एम्पायर आप बोले आपका डिसीजन फाइनल है, मैंने आउट किया, सबने बोला सर मैं चला गया, भी नहीं बोला, आउट है, बड़ा मैच चला गया, ऑलरेडी डिसीजन दे चुका हूं मैं। बॉल बैट से इतना 5 सेंटीमीटर दूर है, बॉल स्विंग हो रहा है, अंपायर बोलता है कि बैट से लग के गया, क्या मतलब? ओह माय गॉड, इतना गुस्सा, इतनी लड़ाइयां, इतनी आपस में रंजिश, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथापाई पर बात उतर जाए। After 8 overs, it is 7 wickets down, 104 run. पूरे 100 run बनाना बाकी हैं. Dude, impossible it is. 2 overs, 100 run. Come on Ash, chak de phate. कोई नहीं दे सकता। विपुल गया, कोई बात नहीं, क्या करें, अभी बुरे लगे हुए हैं तो क्या कर सकते। क्या हुआ भाई? आउट है। आउट हो गया तो हो गया, क्या चीख रहा है? चिल लूट चिल, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। आजा आजा, अपने लेके आगे चलना। डोंट अब्यूज बड़ी, आई डिड अब्यूज यू, यू डोंट अब्यूज। आपने उनको कोई गाली दी? मैं कोई गाली नहीं दी, अगर होता तो तेज से बोलता मैं उसको, मत कितना जाके बोला। आई डोंट नीड टू अब्यूज हिम। आ जा आ जा, अपने लेके आगे चलना। बीसीएल का रूल क्या है? नो अब्यूसिव लैंग्वेज, राइट? मैंने उसको गाली नहीं दी, मैंने विकेट ली, मेरा राइट से चीयर करने का। ही कॉल्ड मी एन यार। वो तो देखो, लेट्स लेट्स लाफ ओवर इट। आई डोंट हैव कैच इट, कैच इट। लास्ट बॉल पे Congratulations, guys! Thank you so much! Oh my God! I can't tell you. मैं कहाँ हूँ अभी? मुझे खुद को नहीं पता। First win. Yeah, first win. Thank you. Rockley BCL!
आईएसएन अपने आप में, मैं आप सबको बता दूं, एक इंस्टीट्यूशन है और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अरे सब गए तेल लेने यार, या एक्शन, ड्रामा, स्टंट्स, फाइट, अफेयर्स, ये सब डबल डोज में होंगे। और आज पहला मुकाबला है और कांटे की मैच है मुंबई वॉरियर्स और राउडी बैंगलोर के बीच में। लगे हाथ कमेंटर अपार शक्ति और रुचि को वेलकम कीजिए। क्या आप कभी बड़े बड़े क्रिकेटर्स के लॉकर रूम तक पहुंच पाए? थैंक यू गॉड फॉर दैट एंड थैंक यू बालाजी एंड मैरिनेटिंग फिल्म्स। हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बीसीएल बी10 प्लेयर्स के लॉकर रूम में। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। कौन? जो कि है एजाज खान। जब वो लोग बैटिंग कर रहे होंगे, एजाज खान को हम आगे खड़ा करेंगे फील्डिंग पे, जैसे ये बैट्समैन का ध्यान इधर उधर करे अपनी बातों से। हमने जिस तरह से कनेक्ट किया एज अ टीम, आई डोंट थिंक एनी टीम हैज सच।